सो गाइस सुबह के बज रहे हैं 9:15 और वी जस्ट लैंडेड एट भुवनेश्वर एयरपोर्ट। टॉप पे आप ये जो झंडे देख रहे हो ना, ये हम लोग बाहर आ गए हैं, हम लोगों ने दर्शन कर लिए। तो अभी क्या कर रहे हैं शर्मा जी? हम फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं, फिर हाथ मुंह धो के जाते हैं बीच पे। चलो बाय बाय। तो भाई हमारे रूम से वॉकिंग डिस्टेंस पे भी क्या जिस रोड पे होटल है और सामने ही सी है, मतलब हमारा सी व्यू होटल है, बट हमारे उसमें मतलब हमारे रूम से सी नहीं दिखता है, बट है वो मतलब उसी सेम रोड पे। ये देखो हम लोग आ भी गए, पीछे मार्केट दिख रहा है, ये पूरा वही है मरीन ड्राइव मार्केट। रात में शायद नहीं दिख रही होंगी बट वेव्स काफ़ी तेज हैं। अरे जिम कॉर्बेट जंगल सफारी, ये ऊंट कहाँ से आया है? हाई टाइड टाइप का लग रहा है, ये तो काफी तेज वेव्स आ रही हैं। एक तू चांद और एक वो चांद। हेलो गाइस, कैसा लग रहा है आपको गोवा के बीच? पहली बार देख रहे हैं। आप ये बताओ ये गोवा के बीच पे आके कैसा लग रहा है आपको? समुद्र पे नहा के क्या ही तकलीफ हो गए। ये देखो यहाँ आके गोवा की वाइब ले रहे हैं, ये रात में नारियल पानी पी रहे हैं। ये देखो समुंदर के किनारे ऊंट के साथ एक नारियल पानी, भाई वाह। Early the next morning. दोस्तों वेलकम बैक टू नेक्स्ट डे ऑफ दिस ट्रिप। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:10 लगभग और मैं आ गया हूँ अपने होटल के सामने बीच पे सनराइज देखने। सनराइज होने ही वाला है लगभग, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में सनराइज होगा। और जो बाकी दोनों मेरे दोस्त थे वो मतलब मैंने उठाने का ट्राई किया बट नहीं उठे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे वो लोग, तो मैं ही निकल के सामने आ गया। मेरा होटल पीछे ही है, इन्हीं किसी होटल्स में से कोई एक है और मैं आ गया हूँ यहाँ बीच पे। मुझे लग रहा था खाली पड़ा होगा, कोई नहीं होगा, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे है, लोग हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, तो सुबह जल्दी उठ के सनराइज़ देखना चाहते हैं। आ गए यहाँ पे काफ़ी लोग, ये देखो ठीक ठाक लोग आ गए हैं यहाँ पे, मतलब हैं काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, बढ़िया। सनराइज़ अभी यहाँ पे हल्का हल्का ऑरेंज स्टार्ट हो गया, मेरे ख्याल से यहीं कहीं से होगा, देखते हैं अभी। और मैंने रियलाइज़ किया ये जो वेव्स और पानी वहाँ तक है ना, कल रात में जब हम लोग बैठे हुए थे ना तो ये यहाँ तक था, इस जगह पे यहाँ तक पानी आ रहा था, तो शायद कल मून की वजह से हाई टाइड्स हो रखी थी, यहाँ तक पानी आ रहा था। और मून तो खैर अभी भी निकला हुआ है, चंदा मामा सोए हैं तो सूरज चाचा जागे हैं फिर अभी, चलो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अबे यार ऐसा लग रहा है कि कट गया है, 5:30 के आसपास हो गया, लेकिन सनराइज नहीं हो रहा है भाई। सूरज साइड से निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा देखते हैं। तो फाइनली नहीं कटा है अपना, वो हल्का हल्का सनराइज हो रहा है, मैं टाइम से कुछ पहले ही आ गया था, मैं कुछ मिस नहीं होना चाहिए तो ठीक है। बढ़िया सीन बन रहा है एकदम, मतलब यहाँ पे सनराइज हो रहा है और यहाँ पे अभी भी मून थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है, दिख तो रही है, मतलब शायद वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट यहाँ आइस नेकेड आइस से काफ़ी साफ दिख रहा है मून, और इधर ये सनराइज़। और अगर ये भारत की जनसंख्या बीच में ना आए ना तो वीडियो बहुत बढ़िया है। सनराइज़ होते ही एकदम ऐसा लगा कि शायद आसमान का कलर भी चेंज हो गया कुछ, मतलब इस समय बढ़िया सेट हो गया है सिस्टम, हल्का हल्का ऑरेंजिश नीचे ब्लू, और ये तो मैंने फोकस कर रखा है इसलिए नीचे ज़्यादा ब्लैक ब्लैक लग रहा है, बट
वैसे काफी सुंदर है, फोकस हटाऊं एक बार? नहीं हट रहा वो। अगर मेरे दोनों दोस्त जग रहे होते ना तो मैं भी ये ऐसे करके फोटो खिंचवाता या वीडियो बनवाता हाथ में सूरज पकड़ के पर ठीक है, कोई नहीं। दोस्तों वेलकम बैक, नहीं ऑफिशियली वेलकम बैक टू सेकेंड डे ऑफ आवर ट्रिप, क्योंकि मेरा वेलकम तो सुबह 5 बजे ही हो गया था। सही है। क्या तो अब ये सेकेंड डे का आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी लेट हो गया पहले से ही। अब हम जा रहे हैं सन टेम्पल कोणार्क। ये लगे हैं येल्लो येल्लो काजू, काजू का। ये है काजू का पेड़, तो यहाँ पे काजू हंटिंग चल रही है। मस्त दिखाओ ये शिमला मिर्च जैसा क्यों लग रहा है? काजू है ये, मस्त। प्रणाम, देखो सर का पहले में प्रणाम है, आज भी आपको प्रणाम किया था। घर से जितना तरह बंधु लोग आते हैं आप लोग प्रणाम करते ना, नमस्कार करते, देखो नमस्कार है। यहाँ देखिए औरत लोग का बॉक्सिंग, देखो दैट टाइम का औरत का तांडव है। अच्छा, कृष्ण भगवान डांस है, कुबेर भगवान ने डांस है, औरत लोग टाइगर के साथ फाइटिंग कर रहे हैं। ये भगवान का झूलन गदी, यहाँ कुओ, यहाँ किचन घर, यहाँ मंडप, यहाँ चंदन गदी। सर में 4 प्रकार का औरत होता है, शंखिनी, पद्मिनी, चित्रिनी, हस्तिनी। सबसे अच्छा होता है पद्मिनी, ये द्रौपदी, पार्वती, सीता, दुर्गा मैया, ये देवी है। देखिए पायल, देखिए घर में, देखिए हाई हील और पायल भी है। तारियम को होता है 7 कलर, इसीलिए 7 बड़े। यहाँ 4, यहाँ 3 के, हर आदमी का दाएं हाथ में ज़्यादा ताकत होता है इसीलिए दाएं तरफ से 4 घोड़े, बाएं हाथ में कम ताकत होता है इसीलिए 3 घोड़े। जो सारे में चलेगा उनका पावर हाथ में कंट्रोल किया जाएगा, इसी हिसाब से 4-3-7 रखा। आगे बॉडी का टूट गई है? हाँ जी टूट गया, सब बहुत टूट गया। गाइड भी बता रहे हैं कि ये किट्टी पार्टी चल रही है तो उस जमाने में भी किट्टी पार्टी होती थी। जवान आदमी बीच में कामा सूत्र देखे खुश होगा, बूढ़ा लोग ऊपर विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को देखे खुश होंगे। अच्छा, ये बीच में ये कामा सूत्र तो वो ऊपर ये है ना। 90 फीट है ये, 127 है, 127 ये सही है। अच्छा, ये टूट गया, ये 90 फुट बच्चा है। तीनों टाइम से 3 सूर्य भगवान है, प्रभा सूर्य, मध्यान सूर्य, अस्त सूर्य है। ये प्रभा सूर्य है, ये नीचे में देखिए राजा पंडित दो साइड में बैठ के पूजा कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। छोटा सा मूर्ति अरुणा ड्राइवर है। ऊपर देखिए सूर्य का पैर में बूट का डिजाइन, कपड़ा का डिजाइन, बेल्ट का डिजाइन, पैदा का डिजाइन, कान में कुंडल है, जटा बंधा है, मुस्कान का। नीचे बच्चों देखने का, जवान देखने का, बच्चों देखने का। ये अंगल आ गया, अभी ये अंगल आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21 हेले बर्तमान 1:40 होगा, 45 डेढ़ घंटा। ये देखो ये डेढ़ घंटा, ये डेढ़ घंटा 3 घंटा, ये डेढ़ घंटा, ये डेढ़ घंटा 3 घंटा। अच्छा, ये 3 घंटा, ये 3-3, ये तो ऐसे ऐसे टाइम आता है या फिर ऐसे टाइम मिलता है? ऐसे ऐसे, ये 6 सुबह 6, ये शाम 6। अच्छा, शाम होने का धूप नहीं तो फिर ये आपने 1:40 कैसे बताया? ये जो छाया है ना, ये छाया में बता रहा है, ये होता है 1 तक। अच्छा, वो जो जा रहा है हाँ, ये छाया आ गया, इतना बढ़ गया। ठीक है मैं समझ, ये बढ़ गया, ये बाल का बढ़ गया, वो मुझे पता है। तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड करना तो मुश्किल है, काफी कुछ रिकॉर्ड किया है, काफी कुछ
डालूंगा अभी मैं ब्लॉग में, बट गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो गई है, तो अब एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, और बाय बाय।